नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस। एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं एक बेहतरीन उत्पाद के बारे में जिसका नाम है एबिक। एबिक क्या है? एबिक संजंटा कंपनी का एक बहुआयामी संपर्कीय कवकनाशी है जो कई प्रकार के रोगों को नियंत्रित करता है। इसको किंग ऑफ फंजीसाइड के नाम से भी जाना जाता है। पौधों के हर एक बढ़ते बिंदु पर रोगों को कंट्रोल करता है। एक से ज़्यादा गतिविधि के कारण इसके व्यावसायिक उपयोग के 50 से अधिक वर्षों के बाद भी मैनकोजैब के लिए किसी भी प्रकार के प्रतिरोध विकास की रिपोर्ट नहीं की गई है। रोग नियंत्रण के अलावा ये फसलों को मैंगनीज और जिंक पोषक तत्व प्रदान करता है। इसका उपयोग बीज उपचार में भी किया जाता है और इसका उपयोग फसलों पर स्प्रे करने के लिए हमारे देश में बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसलिए इसे फंजीसाइड का राजा कहा जाता है। आइए बात कर लेते हैं एबिक के क्या क्या फायदे हैं। एबिक का उपयोग बीमारी आने से पहले और बीमारी की शुरुआती अवस्था में उपयोग किया जाए तो ये बहुत अच्छा काम करता है। फसलों को लंबे समय तक रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। एबिक अलग अलग प्रकार की फसलों में फंगल रोग जनक के कारण होने वाली बीमारी की व्यापक रेंज के खिलाफ प्रभावी होता है। एबिक एक ऐसा रक्षात्मक कवकनाशी है जो पौधों में रोगों को उत्पन्न करने वाले सभी चार प्रकार के फफूंदों को आसानी से नियंत्रित करता है। कृषि में इस्तेमाल किए जाने वाले लगभग सभी प्रकार के कृषि रसायनों के साथ एबिक को मिलाया जा सकता है। कवकनाशी का व्यापक रूप से नर्सरी, टर्फ, सब्जियों और फलों के उद्योगों द्वारा कवकनाशी के रूप में कुछ कवक रोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एबिक का उपयोग किसी भी प्रकार के बीजों को उपचारित करने के लिए किया जा सकता है। आइए बात कर लेते हैं एबिक का मोड ऑफ एक्शन क्या है, यानी ये फफूंद को कैसे नियंत्रित करता है। एबिक एक कॉन्टैक्ट फफूंद नाशक है। इसमें मैनकोजैब 75% WP फार्मूलेशन में होता है, यानी ये बैटेबल पाउडर होता है जो पानी के अंदर तेजी से घुल जाता है। मैनकोजैब डाइथियोकार्बामेट समूह का एक अधिक प्रभावशाली रक्षक एवं साध कवकनाशी होता है। ये कवकों की कोशिकाओं के अमीनोसाइट्स और एंजाइम के सल्फर हाइड्रिल को निष्क्रिय करके उसके लिपिड चयापचय श्वसन और उसके ATP के उत्पादन को बाधित करता है, जिसके कारण फंगस की मृत्यु हो जाती है। आइए बात कर लेते हैं एबिक का उपयोग कौन कौन सी फसलों में किया जाता है। एबिक का उपयोग लगभग सभी प्रकार की फसलों में किया जा सकता है। आइए बात कर लेते हैं एबिक कौन कौन सी बीमारियों को नियंत्रित करता है। एबिक भूरा रतुआ, काला रतुआ, गेहूँ का झुलसा, मक्का का पत्ती झुलसा रोग, डाउनी फफूंदी, धान का ब्लास्ट, ज्वार का पत्ती धब्बा रोग, इसके अलावा अन्य फसलों में भी फफूंद को नियंत्रित करता है। आइए बात कर लेते हैं एबिक की खुराक प्रति एकड़ कितनी होनी चाहिए। एबिक की खुराक 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से और पानी की मात्रा 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करना चाहिए। एबिक को चूना, सल्फर, बोर्डो मिक्सर तथा क्षारीय घोलों के साथ ना मिलाएं। अगर हम बात करें प्रति लीटर पानी की दर से, एबिक को 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे 10 दिनों के बाद करना चाहिए। अगर हम बात करें बीज उपचार के रूप में इस्तेमाल करने पर, बीजों को 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से तथा कंदों के लिए 2.5 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से बीज उपचार किया जा सकता है। बीजों अथवा कंदों को कम से कम 20 से 30 मिनट तक एबिक के घोल में उपचारित करना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं एबिक का पैक साइज कितने प्रकार का होता है। एबिक का पैक साइज 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो की पैकिंग साइज में उपलब्ध है। अगर हम बात करें एबिक का एक एकड़ का खर्च कितना आता है, एबिक का एक एकड़ का खर्च लगभग 200 रुपये आता है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से हमारा हौसला बुलंद होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, धन्यवाद।